तो एज अ अपोजिशन आप किस तरह से देखते हैं कि ये रिलैक्सेशन की मांग जो की जा रही है, क्या आपको लगता है ये जेन्युइन डिमांड है? और अगर ये जेन्युइन है तो आपको लगता है ये पूरी होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, टेररिज्म था जम्मू कश्मीर के अंदर, मिलिटेंसी थी, उसको टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ बढ़ाया। जम्मू और कश्मीर को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है बीते कुछ सालों में, तो आपको लगता है कि कश्मीर के लोगों को जिस कदर विश्वास भाजपा पर जताना चाहिए था इन चुनावों पर, वो कहीं ना कहीं चूक गए, तो आने वाले समय में किस तरह से भाजपा जो है वो विश्वास जीतने का काम करेगी? उनका मैनिफेस्टो है, उसको हम इंप्लीमेंट करवाएंगे, डंडे के जोर पे कराएंगे। फॉर्मर मेयर और बीजेपी के सीनियर लीडर चंद्रमोहन गुप्ता जी हमारे साथ आज खास बातचीत में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और फिलहाल की करंट सुनहरी पर गौर फरमाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे चल रहे हैं या सरकार अभी नियुक्त हुई है, तो उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं अभी तक के जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, तो इस शुरुआती दौर में आप किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से कामकाज सरकार जो है वो कर रही है? सरकार ने अपना काम करना है, लेकिन हमें जो मैंडेट दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने, हमारा काम है अपोजिशन करना और लोगों की सेवा करना। हमारे जितने भी विधायकगण चुन के गए हुए हैं, उन्होंने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया। मैं चाहे जम्मू शहर की बात करूं, कॉरपोरेशन की बात करूं, 75 के 75 जो हमारी वार्ड हैं उनके अंदर जितने भी काम हमारे थे, वो हमारे सारे विधायकगण उनका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, काम को चालू करा रहे हैं। जल्द से जल्द जो पेंडिंग काम है, चाहे वो ब्लैक टॉपिंग का काम है, ड्रेन लेन का काम है, या कोई और काम है, उन सबको, और इसी तरह हमारे बाकी विधायकगण भी जितने जितने अपने अपने क्षेत्र के अंदर बड़े दिन रात मेहनत करके और लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और लोगों के बीच में हैं। और इसके साथ साथ हमारे संगठन है, पार्टी ने कुछ विधायकों को जो सीटें हमने हारी हैं उन पे उनकी ड्यूटी लगा दी है। भले ही हमारे कश्मीर के 3 जोन हैं, नॉर्थ साउथ और सेंट्रल जोन, वहाँ भी 2-2 विधायकों की ड्यूटी लगा दी है। पुंछ की सीट अगर हमने हारी है, हरदौरी की, वहाँ सुनकोट, वहाँ भी हमने 1-1 विधायकगण की ड्यूटी लगा दी है, 2-2 की, ताकि वो लोग जो जिन लोगों ने वोट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये विश्वास करके कि भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों के पास भी हमारे जो वहाँ का जो विधायक जिसने चुनाव लड़ा है उसके साथ हमारा जीता हुआ विधायक, वो साथ रह के लोगों की समस्याएं सुने, लोगों की समस्या हल करें। और हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, बड़ा मजबूत संगठन है, बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सारे लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों की जो उम्मीदें हैं, लोगों को, जो लोगों ने हम पे विश्वास किया है, हाईएस्ट वोट दिए हैं बीजेपी को जम्मू कश्मीर के अंदर, भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोगों ने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, मिलिटेंसी थी उसको टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ बढ़ाया है। पिछले साल 2-3 साल से इतना टूरिज्म, इतना पर्यटन आया हुआ, और आने वाले समय में इसको कंटिन्यू रखेंगे। डेवलपमेंट जितने भी, चाहे वो एयरपोर्ट का होगा, रेलवे की होगी, बहुत जल्द मुझे आशा है कि एंडिंग दिसंबर तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक जो ट्रेन, जो हमारी रेल, वो भी कश्मीर भी हिंदुस्तान के साथ जुड़ेगा ट्रेन के माध्यम से। इस तरह बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े हमारे नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, कितने में काम गिना सकता हूँ, उसको स्पीड अप किया जाएगा। यहाँ आपके में, यहाँ बैठा हुआ आपके स्टूडियो में सामने मुझे तभी नज़र आ रही है, तो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे आर्टिफिशियल लेक, यहाँ से आपको पानी दिखेगा। और आप यहाँ जैसे हम कश्मीर के अंदर शिकारे घूमते हैं, हमारे भी यहाँ छोटे छोटे किस्से हैं, वो घूमेंगे। तभी रिवर फ्रंट बहुत खूबसूरत होगा। आने वाले समय में शहर के सारे प्रोजेक्ट जो हैं, जो हमने स्टार्ट किए थे एज ए मेयर, वो सारे बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है कि जम्मू जो है वो डेवलपमेंट की ओर जा रहा है और अब पहुंच भी चुका है। आप किस तरह से देखते हैं अभी फिलहाल, अगर हम यूथ की ओर अगर हम ध्यान दें, तो अब यूथ आप देखें कि रिक्रूटमेंट लिस्ट तो निकल रही है और सरकारों का ये कहना है कि हमारे आने के बाद ये रिक्रूटमेंट लिस्ट निकली है। हालांकि अभी के जो यूथ है वो एज रिलैक्सेशन को लेकर मांग कर रहा है क्योंकि लंबे समय बाद निकली है, तो एज अ अपोजिशन आप किस तरह से देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन की मांग जो की जा रही है, क्या आपको लगता है ये जेन्युइन डिमांड है? और अगर ये जेन्युइन है तो आपको लगता है पूरी होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो अभी आते ही मुझे लगा कि कांस्टेबल की भर्ती शुरू हो गई, उनका एग्जाम हो गया है। हाँ। बहुत जल्द आजकल में उनका रिजल्ट भी आएगा। हाँ। इस तरह रिक्रूटमेंट की में है, और जहाँ जहाँ कोई कमी रिलैक्सेशन की है, मुझे आशा है कि, मैं पिछले दिनों 1-2 दिन में पेपर पढ़ रहा था, रिलैक्सेशन सरकार कहीं ना कहीं देगी लोगों के, जो हमारे यूथ है, नौजवान है, जो पिछले मिलिटेंसी की वजह से काफ़ी पिछड़ा है, उनको राहत दी जाएगी और राहत देनी भी चाहिए। और हर एक की समस्या का हल, चाहे वो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, उनका जो संकल्प पत्र, उस पर जो उन्होंने लोगों के साथ 38 गारंटीज दी हैं, हम हमारी जो अपोजिशन है, हमारे जो 28 विधायक हैं, वो उसको भी पूरा करवाएंगे।
और जनता के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, जो उनका मैनिफेस्टो है उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, डंडे के जोर पे कराएंगे, विधानसभा के अंदर भी करवाएंगे, अगर नहीं हुआ तो सड़कों पे आके करवाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की पार्टी है, लोगों के बीच में निकल कर आई है और हमेशा लोगों के बीच में रहेंगे, आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। केंद्र की तरफ से योजनाओं की शुरुआत तो बहुत सी की गई है, बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र की तरफ से, जिसका लाभ जम्मू कश्मीर के वासी भी ले रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है बीते कुछ सालों में, तो आपको लगता है कि कश्मीर के लोगों को जिस कदर विश्वास भाजपा पर जताना चाहिए था इन चुनावों पर, वो कहीं ना कहीं चूक गए, तो आने वाले समय में किस तरह से भाजपा जो है वो विश्वास जीतने का काम करेगी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे सेंट्रल जोन, तीन जोन हमने कश्मीर जो है, तीनों जोन पे दो दो विधायकों की ड्यूटी लगा रही है, हमारा संगठन मजबूत है, काम कर रहा है। अगर हम मैं अगर अनंतनाग वेस्ट की बात करूँ, शोपियाँ की बात करूँ, अगर हम सेकंड थर्ड राउंडर पर आए हैं तो काम किया है लोगों के बीच में जाके। चाहे मैं गुरेज की बात करूँ, 800 वोटों से हम लोग हारे हैं, आज लोग विश्वास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर रहे हैं। अगर लगभग 1.5 लाख वोट अगर मिला है तो उन्हीं लोगों ने दिया, कश्मीर के लोगों ने दिया है। कुछ हालात ऐसे हुए कि अगर जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कश्मीर के लोगों ने एनसी को दिया, कुछ ऐसे हालात, नहीं तो हम वहाँ से भी 5-7-8 सीटें हमारे जीतने के लिए हम जितनी मेहनत की है, आने वाले समय में इस मेहनत को हम और आगे लेके जाएंगे। प्रोजेक्ट्स बहुत से, एम्स की बात करूँ, IIT की बात करूँ, IIM की बात करूँ, जम्मू कश्मीर आने वाला मेडिकल हब, एजुकेशन हब, उस तरह बढ़ रहा है। लोग भी चीज मानते हैं कि नक्शा तो बदला है पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर का, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपका राजनीति में इतना एक्सपीरियंस है कि आप इस बात को बखूबी बता पाएंगे, शुरुआती चरण में इस समय आपको क्या लगता है कि नेका किस तरह से काम कर रही है, अभी जो सरकारें हैं वो किस तरह से काम कर रही है, जो स्ट्रेटेजी वो अपना रही है काम करने की, वो आपको सही लगती है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि हम लोगों ने अपोजिशन का काम किया, दो भी होते थे, एक भी हमारा विधायक होता था जुगलकिशोर शर्मा जी, तब भी अपोजिशन आए, तो हम 28 हैं। सरकार फूंक फूंक के कदम भर वो रख रही है, इतना आसान काम नहीं है कि आप पहले जो होता था, एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, डिजिटल इंडिया कर दिया है, पहले ये होता था कि फंड आ रहा है रामलाल के नाम तो जा रहा है श्यामलाल के पास, अब ये चीज़ खत्म हो गई है, अब जिस हेड में पैसा आएगा उसी हेड में लगेगा, आज वो सिस्टम खत्म है। इस करके सरकार को भी करेगी सरकार, काम सरकार से काम लेंगे हम, जो सरकार ने वायदे किए हैं, 30 गारंटीज दी हैं लोगों को, चाहे वो सिलेंडर की है चाहे कोई और है, सारी एक एक गारंटी के ऊपर हम सरकार को घेरेंगे। आने वाले जैसे भी मुझे लगता है जनवरी में शायद सेशन लगने वाला है, और हमारे जो 28 विधायक हैं वो बिल्कुल खंभे की तरह वहाँ खड़े, जम्मू कश्मीर के वासियों की जो जो भी एप्लीकेशन हैं, जो जो भी उनकी डिमांड्स हैं, जो जो उनकी कमी, उनको उजागर करेंगे और सरकार से मनवाएंगे। यानी कि बीजेपी ये कहते हैं कि जो अब नेका ने कहा है वो करके दिखाना पड़ेगा, अपनी बातों से मुकरने नहीं देंगे बीजेपी, कभी भी नहीं मुकरने देंगे, एक एक चीज जो इन्होंने वायदे किए हैं उनसे करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, फिलहाल बातचीत के लिए हमारे साथ फॉर्मर मेयर जी मौजूद थे, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं। क्या कुछ उनको कहना था इस चीज को लेकर, ये भी आप लोगों ने सुना है। हालांकि जो आम जनता, खासकर युवा, इस खबर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ साथ शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय को भी इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जरा जानकारियों के लिए देखते हैं आप ऑल टाइम्स, मुझे कैमरा पर्सन अंकुश को दीजिए इजाजत।